अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम ईकैट 2011 का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH4 ट्वाइस प्लस थ्री इज। इसमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो बनती है DsP2। सो DsP2 इज इन बीटा, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ HNO3 इज ट्रू। इसमें से हमने HNO3 की और कॉपर के रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है अल्फा, ठीक है। Cu कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को दोनों तरफ कैलकुलेट कर लें, इक्वल बनते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज एसिटाइलिन अंडर प्रेशर ओवर एन ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इंटू। एसिटाइलिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन इज डैश एंड थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज फॉर्म्ड। अल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, ठीक है। अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp होती है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज द आयुपिक नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज। फॉर्मिक एसिड का आयुपिक नेम जो बनता है वो बनता है मैथानोइक एसिड। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज आयोडीन गिव्स डीप ब्लू कलर विद। आयोडीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं स्टार्च के साथ तो ये डीप ब्लू कलर देता है। स्टार्च नहीं लिखा हुआ लेकिन पॉलीसेक्राइड लिखा हुआ है। सो पॉलीसेक्राइड इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ फोरड्राइनियर अपरेटस विच डिस्चार्ज अ यूनिफॉर्म जेट ऑफ पल्प सस्पेंशन इज। वो होता है फोरड्राइनियर टेबल। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द गैस यूज टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम रेडोन गैस यूज करते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द इंजाइम विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा इंजाइम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं L-asparaginase। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। या L-asparaginase लिखा होगा या सिर्फ L-asparaginase लिखा होगा, इधर ब्लड कैंसर की जगह ल्यूकीमिया भी लिखा हो सकता है, ओके। द नेक्स्ट इज सोडियम रिएक्ट विद अल्काइल हेलाइड इन ईथर टू फॉर्म अल्केन्स। द रिएक्शन इज नोन एज। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन द सॉल्यूट हैज गोन इन द ईथर लेयर देन इट इज सेपरेटेड बाय डैश द ईथर बाय इवेपोरेटिंग द ईथर। ईथर को इवेपोरेट कर लो, सॉल्यूट बाकी बच जाएगा। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। ओ पे -2 होगा, ठीक है, और 4 है तो ये -8 बन जाएगा। पोटेशियम पे +1 है, -8 +1 ये बनता है +7। सो +7 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सोल्यूशन। वाटर को अल्कोहल में अगर हम डिजोल्व करते हैं तो एक आइडियल सोल्यूशन बनाता है, ओके। द नेक्स्ट इज डिटर्मन द मोल फ्रैक्शन ऑफ C12H22O11 इन 1.8 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये बनती है 0.9899 के करीब बनती है, ठीक है, 0.99 के वो नहीं है, उसके करीब तरीन जो है वो 0.92 है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की कि एक सब्सटेंस जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। द नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ AgNO3 आर। AgNO3 जो है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन स्टेरिलाइजिंग द मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यानी जम फ्री करने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फोटोसेंसिस इज अ डैश ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसेंसिस का जो रिएक्शन ऑर्डर बनता है वो बनता है फर्स्ट, ओके। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ब्लैक बैकग्राउंड इज ऑब्टेन्ड इन द। ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन किया जाता है, ओके। द नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है, कि क्रिस्टलाइजेशन होगी, सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, सॉल्वेंट हम उठा लेंगे। द नेक्स्ट इज कैलोरी इज इक्वलन टू। कैलोरी की वैल्यू होती है 4.184 किलो जोल, ठीक है। तो यहाँ पे जोल में लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 4184 जोल। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। इनमें से जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, बल्कि वो पाथ फंक्शन है कि उसने कितना पाथ कवर किया है। द नेक्स्ट इज द मोलैरिटी ऑफ 20% वेट ओवर वेट सॉल्यूशन ऑफ CA इन वाटर। तो इसकी जो मोलैरिटी बनती है वो बनती है 6.25। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द सोलिबिलिटी ऑफ डैश इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनमें से किसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है? तो वो होती है लेड नाइट्रेट की, PbNO3 ट्वाइस की. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम एज डेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन डैश ऑर्डर काइनेटिक्स. तो ये बनता है फर्स्ट ऑर्डर में, कि यानी फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट होता है ना, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है. ओके, लेट्स एंड हेयर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Also, if you like our content, please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get new videos. Thank you.